से दो कवि जो महान कवि अपने इस धरती पर हुए हैं, जयसिंह और ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद जीयों का अगर परिवार में कौन कौन है, उनके लड़के, उनका परिवार में शादीशुदा नहीं थे जी। ज्वाला प्रसाद जी शादीशुदा नहीं थे, नहीं, नहीं थे। ज्वाला प्रसाद जी और भाई क्या थे? दो। दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का नाम था जी पन्ना लाल। आपके पिताजी? हाँ, मेरे पिताजी थे। आप भाई क्या हो? पांच थे जी। अच्छा, तो उनमें से मैं अकेला रह रहा हूँ जी। आपके परिवार उनके शिष्य कितने बने? आपके भाई अमदाप अकेले शिष्य बने ज्वाला प्रसाद जी? एक मेरा भाई था जो जवान गुजर गया था जी। अच्छा, वो हारमोनियम बजाया करते? हारमोनियम बजाया करते वो। और जो जयसिंह हुए अपने, इनके कितने लड़के थे? दो हैं जी। दो लड़के हैं। हाँ जी, अभी मतलब कलायत में भी रहते हैं? एक रहता है कलायत में, एक डॉक्टर है बाहर पंचकूला, पता नहीं चंडीगढ़ रहता है। अच्छा, एक लड़का कलायत में ही रहता है। आपने जैसे जो ज्वाला प्रसाद जी कितने रचना दे के गए थे, क्योंकि आप तो परिवार के हो गए, आपने उनकी हाथ उनके हाथ की लिखी किताब भी मिली है? कोई हाथ की मिली हुई लिखी हुई थी जी, ये मैंने तारी अपने हाथ के साथ। वो कड़े गई उनके हाथ अड़ी? हाँ जी। उनकी लिखी हुई कदड़ गई? वो रफ हो गई थी सारी, पट टूट गई। ये लिख ली थी मैंने पहले। अच्छा, आपने पहले लिख दी थी? कागज खराब हो गए थे सारे। चेतावनी शब्द भजन फुटकट रागनी कितनी के होगी उनकी, आपका अंदाजा? उनकी है जी तीस, तीस रागनी तो जी, तीस रागनी तो है सत्यवान की ना। ना सांग के अलावा, सांग तो बार की बात। अच्छा, सांग उसके जी तीस बत्तीस चेतावनी है। तीस बत्तीस चेतावनी है आपका, लो सारे लिखित में है। हाँ जी। आज तक पहला ये आपका लो कोई पुराना टाइम में आपका उम्र कोई कभी आया हो, कोई गायक आया हो, कोई रचना लेके गया हो आप गान गए थे भाई मैंने दे मैं ज्वाला प्रसाद की बात गाऊंगा? ना जन्यू को लेकर गए तो बस इन्हें ना याद करिए। ये तो आपके गुरु भाई हो गए, ये तो आपकी परिवार हो गए तो। अच्छा, आपके जो बात थी अपनी चली हुई थी कि ज्वाला प्रसाद जीयों की बात कोई किसी का याद है या नहीं है, तो आपने बातचीत करवाई भाई साहब के साथ। इनका नाम है संतराज, गांव है खरक पांडवा, जिला कैथड़ और कलायत के नज़दीक ही है बिल्कुल। इनके एक दो बात याद है पंडित ज्वाला प्रसाद जीयों की। सबसे पहले तो राम राम जी। ये ले माइक, आप बात सुनाओ ज्वाला प्रसाद जी की जो आपका याद है। मेरा दो बातें याद करिए मैंने जीवन में पंडजिया की जो मिल गई इन्हें पंडजिया से। एक बात सुनाओ। एक बात सुनाता हूँ मैं आपको। ए जी कर्म धर्म पुनदान भजन बिन न्यूए जन्म बर्बाद करया, अर कर के कोल करार कदे बियो राम नाम ना याद करया। संतोष सबर कर दयादार तू क्यों इतने उत्पात करे, दया धर्म एक मूल जगत में क्यों जुलम सितम दिन रात करे, खा पी के मदिरा मीट मास क्यों नाश होने की बात करे, अर करे जीव की जीव पालना तू जीव जीव का घात करे, तू जीव जीव का घात करे, जीवों के गल काट काट के यू अपना तने स्वाद करया, कर के कोल करार कर दे बियो राम नाम ना याद करया। जर जोरू जमीन पे झगड़े जर जोरू जमीन पे धावे, दर दर सारे चले गए शिशुपाल कंस और जरा संद से कर कर कारे चले गए, रावण और दुर्योधन धन जर के भंडारे चले गए, एक पाई संग गई न मरमर हाथ पसारे चले गए, हाथ पसारे चले गए, या माया किसे की भी गैल गई ना क्यों ठाली बैर विवाद करया, कर के कोल करार कर दे बियो राम नाम ना याद करया। काम क्रोध अहंकार लोभ मोह ये माया में गलतान रहे, इन पांचा ने जग लूट लिया ये कंधे चढ़े शैतान रहे, सतगुरु
सच्चे गुरु के ज्ञान बिना ये दस इंद्री चले वान रहे जिनने हो गया ज्ञान गुरु से ये दस की दस सुनसान रहे ये दस की दस सुनसान रहे दस इंद्रिया के विषय भोग नयु मन बेईमान आजाद करया करके कोल करार कदे भी वो राम नाम ना याद करया। चौथी 184 जून भुगत के यु जन्म मनुष्य का पाया था जन्म सुधारण का रास्ता तन करना भजन बताया था उस जगत सेठ की पूंजी लेके अड़े करण मुनाफा आया था इब उन आंख्या तेरे देनी चाहिए दिन आंख्या ते लाया था जिन आंख्या ते लाया था पल्ले झाड़ के चाल पड़या। गुरु ज्वाला प्रसाद भी भाई हम भी ज्ञान उपदेश का चक्कर में न्यू रह गए हम भी ज्ञान उपदेश बांटते रहे पल्ले झाड़ के चाल पड़या तने के ज्वाला प्रसाद करया करके कोल करार कदे भी ओ राम नाम ना याद करया करम धर्म पुनदान भजन बिन न्यूए जन्म बर्बाद करया करके कोल करार कदे भी ओ राम नाम ना याद करया। क्या बात है, गजब की लयधारी आपकी। आपने जो यू गाना है आप गाओ भी हो, मतलब को स्टेज पे? हाँ मैं गाता हूँ जी। गुरु कौन दान करे आपने? गुरु मेरे नरसी राम जी हैं, एक थाना गांव है कैथल और पेवा के बीच में थाना गांव पड़ता है क्योड़ोक से आगे। अच्छा। वहाँ नरसी राम जी अब तो नहीं रहे हैं मेरे गुरु जी, मैंने वहाँ गुरु दान किया है। मैं बाता गाँव है एक हमारे कलायत से हाँ। आगे खरक से आगे वहाँ बाबा राजपुरी जी बहुत सिद्ध हुए हैं मतलब बाबा जी। वहाँ मेला में मैं वहाँ जिस टाइम फर्स्ट में गाना शुरू किया तो वहाँ जाता था मैं। तो हमें कमी हमारे एरिया में किस चीज़ की रही है, हमें ग्रंथ जो मांगेराम जी के लक्ष्मीचंद जी के ये ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं हुए याद करने के लिए। याद करने की बहुत चेष्टा थी लेकिन हमें रचना ही नहीं मिल पाई याद करने के लिए। उस टाइम मतलब हमें जैसे राजकिशन उस टाइम चढ़े हुए थे, राजकिशन की आवाज़ बहुत बढ़िया प्यारी लगी मेरे को। जैसे मास्टर सतबीर जी उसके बाद चढ़े हैं उससे पहले राजकिशन जी की आवाज़ में मतलब एक जादू था। तो वो मेरे अंदर भाव हो गया मेरे उनके, वो भागी मेरे को। जैसे राजकिशन जी ने जगन्नाथ जी की रचना बनाई हुई गाई है, उन्होंने दो कैसेट बनाई हुई थी कृष्ण सुदामा की दो कैसेट मैं नया टेप रिकॉर्ड ले आया और दो कैसेट उसके साथ फ्री मिले मेरे को। ये आपने सुनी राजकिशन की आवाज़ में और बनाए रखी थी जगन्नाथ समझाना ने। जगन्नाथ जी समझाना लिया ने। नहीं ई बाप के इलाके लग है आपने भाई जो ई भी कवि थे, देखो पुराने कवि थे आपने भाई, अगर इनकी रचना आगे किसी ने नहीं गाई तो खत्म हो जाएंगी। खत्म हो गया जी, गावे गानी कोई फिर आप खत्म होगी जी अगर आगे ही नहीं आवेगी किसी के सुनने। नहीं आपके जितनी बात याद है ज्वाला प्रसाद जी की, आपने किसे लग सिखाई ये बात? सिखाई थी हम गावा भी यहाँ सिखाई भी एक तो जैसे ये संत लाल नहीं कोई आपने शिष्य बनाया हो, संत लाल जी ने तो चलो आपका शौक में दो बात चार बात याद कर ली। आपकी कोई प्रणाली का कोई आगे प्योद आपने तैयार करी हो है ज्वाला प्रसाद जी की? एक चेला बहुत बढ़िया है इनका, अच्छे है। अच्छा जी, शिष्यों का लड़का है वो। अच्छा, इतनी गजब की आवाज है उनकी लेकिन वो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बातें उसका कहीं याद कर रहा है। नहीं एक चीज़ बताओ संतरा जी, आपका तो मतलब गुआंडी रहे है जय नारायण जी और सॉरी अपने जय सिंह और ज्वाला प्रसाद जी, तो देखो कवि तो और भी बहुत हुए हैं, घट है नहीं कवियों का अपना हरियाणा कवियों का बरेपड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कवियों की तो कुछ ना कुछ बात स्यामी फिर भी आएगी। हाँ। इसे कवि की 100 में तो दो बात स्यामी आएगी, ज्वाला प्रसाद की बात स्यामी क्यों नहीं आई? बस इसकी तो दो बात भी नहीं है, आपने को सुना है को गंदा इसका को गायक है? नहीं आगे नहीं आई जी। आपने जितने भी इस एरिया में मतलब ये हमारा पिछड़ा हुआ एरिया समझो इसको, मतलब वो गान वाली लाइन तो सोनीपत और रोहतक उस साइड में है जी। बिल्कुल जायज बात। और इस साइड में तो मतलब कैथल वाले कैथल डिस्ट्रिक्ट हमारी कैथल डिस्ट्रिक्ट है तो मतलब वो परले वाले हंसी करते हैं हमारी। हमारी बोली वैसे तो कहते हैं वो प्यारी लगती है, बहुत सॉफ्ट बोली है जी। लेकिन जब मेरे को शौक था
एक मेरे गांव से पंडित जी हुए हैं बैंजू मास्टर, आप उनके लड़के भी बजाते हैं बैंजू, मोहित शर्मा नाम उनका। अच्छा। और बहुत बढ़िया बैंजू मास्टर हैं वो, मतलब क्वाली लग बजाते हैं। और उनके पिताजी थे जो मेरे साथ रहते थे, वो बैंजू बजाते थे, मैं थोड़ा गान का शौक था मेरे को। हमें बात करने के लिए कहीं मिल नहीं रही थी, जय सिंह जी हमें पता लग गया, वो जो मेरे साथ बैंजू मास्टर थे मेरे, उसके ताऊ जी थे परमानंद जी, एक पंडित जी हमारे खरक पांडवा से, वो उसके चेले थे जय सिंह जी आगे। उनके जय सिंह की आगे कई बातें याद थी, और वो पंडित जी बैंजू मास्टर थे जो, उनके भी एक दो बात जय सिंह की याद थी। वो मेरे को कहने लगे, निमला भाई चल बातें आप जय सिंह कवि की याद करेंगे और उससे ले आएंगे बातें। वो खेत में रहते जय सिंह कवि, अपना खेत था उनका। अच्छा। हम उनके पास गए खेत में कोठा में, तो वहाँ तो नहीं, जय सिंह जी का स्वर्गवास बाद में हुआ है ज्वाला प्रसाद जी के? नहीं जी, हाँ मतलब पंडित जी बाद में गए हैं, पंडित ज्वाला प्रसाद। हाँ जी, जय सिंह जी पहले चले गए। हाँ जी, सारा कोई तीन एक साल, दो तीन एक साल का फैसला है, ज्यादा नहीं। आपका तो आपने जय सिंह जी को देखा है खूब? हाँ देखे जी, मैंने जय सिंह को, मतलब आप गए मिले मिले जी हमें, तो हमें गए उनके पास वहाँ गुरुदेव, हमें मतलब गाने बजाने का शौक है और हमें कुछ याद करने के लिए कुछ बातें दो। तो उन्होंने पता नहीं किस मूड में कहा हमको, भाई ऐसे बातें नहीं मिलती पता नहीं, तो उन्होंने भाई गुरु धारण करो हमें या सेवा भाव करो हमारा। फर्स्ट टाइम में गए थे, बच्चे थे हम उस टाइम, तो बस हमें ये लगा भाई ये हमारे को बातें नहीं याद करने के लिए देंगे। तो मतलब वजह यह भी रही कि इस साइड में कलाकार भी को नहीं पैदा होया को भाई सा को स्टेज पे, जिसने मतलब एक व्यवसाय का तौर पे गाना करया हो या पूरा फुल टाइम यू काम कोई कलाकार ना नहीं, व्यवसाय के तौर पर नहीं, शौक अपना था, शौक अपना, शौक अपना, एक शौक का तौर पर रह गया, शौक का तौर पर रह गया जी हमें। और मेरे को राजकृष्ण के नाम से जिस टाइम में गाया करता, अच्छा, जो राजकृष्ण की जो मैंने दो कैसेट कृष्ण सुदामा की जगन्नाथ की बनाई जो गाई है, अब मैं मतलब भूल भी गया उनको, अब सुनना भी चाहो थे आप जी, तो मेरे को राजकृष्ण मानते थे लोग उस टाइम, मतलब लाउड स्पीकर दंगली आवाज थी, दंगली आवाज, माइक तो नहीं थे। हाँ, जैसे राजकृष्ण ने गार की तरी कैसेट, मतलब एक नकल मार के, मतलब न्यू की न्यू पेश करना उसको, आवाज परमात्मा ने मेरे को भी बहुत दी थी, बस वो टाइम के हिसाब से वक्त कराता है, कुछ वक्त हिसाब है कि आप इस लाइन में आगे नहीं जा पाए, आगे नहीं जा पाए। अच्छा, मैंने दो बार इंटरव्यू दिया आकाशवाणी रोहतक। अच्छा, कौन सा तो, की बात है ये तो कोई होगी जी कोई 20-22 साल की बात। अच्छा, तो जब तो जय सिंह जी जी में थे, जय सिंह जी जिया करते उस टाइम पे, अच्छा उनकी बात है, तो एक दिन जिक्रा चल गया। हाँ। मेरा उस दिन मैं बैठक में बैठा था और मैं रोहतक से आया था। अच्छा, तो वहां उन्होंने आवाज दे ली, वहाँ है पंडित जी आ जाओ। हाँ। बैठ गए, बोला भाई कई दिन में दिखा वहाँ जी, मैं तो इस तरह रोहतक से आया। अरे वाह, रोहतक तो यार मेरा यार रहता है एक। हाँ। वहाँ जी कौन? बोला रमजान खां। अच्छा। रंगी वादक। अच्छा, वहाँ जी वही बजाता है, उसमें तो इंटरव्यू भी उसने लिया था। अच्छा, बोले अरे तू नाम भी जान गया उसका। माँ जी वो कहते सुने, मैंने बट बार साफ की थी, कहते सुने भाई ये रमजान खाए नू गए, वो तो मेरा मित्र है। फिर माँ पंडित जी पास तो कौन मैं करे उठाए, फिर बोले आप न्यू करियो, जब भी जावे चिट्ठी ले जियो मेरे हाथ की बनवा के, और 2 किलो देसी घी। अच्छा, बुढ़ा वास्ता है, उस टाइम उनकी वृद्ध वास्ता थी। बिल्कुल बिल्कुल, रमजान खा गई, तो मैं ले गया 2 किलो घी, ले गया जी देसी, और चिट्ठी जाके दे दी उनते रमजान खान ते। उन्होंने मेरे को साथी ये लगा लिया, अरे फरिश्ते कहाँ से आया तू? हाँ। अरे 35 साल हो गए जय सिंह जी के दर्शन हुए, कम से कम आज तू चिट्ठी लेकर के तू आया कम से कम। क्या प्रेम भाव था? मतलब इतना प्रेम भाव किया, मेरे को साइकिल पे लेके पीछे बिठा के घर। अच्छा, चाय पिलाई और नू बोले बेटा यहाँ तो एक हफ्ता पहले ही फैल पास हो जाते हैं इंटरव्यू से। ले मैं तेरे को दिल्ली के भी फार्म देता हूँ, अब तू 2 ही जगह के फार्म भरना और 1 हफ्ते पहले मेरे से मिल लेना, तेरे को 2 ही जगह सेलेक्ट करवाऊंगा। अच्छा, तो जी मैं वो फार्म लिया, 3रे ही दिन वो फार्म भर नहीं पाया, एक ऐसा वक्त का थपेड़ा लग गया, मेरी बहन मार दी थी शादीशुदा थी। अच्छा, तो उस केस में ऐसा उड़ गया, वैसे वो न्यू की आज तक भी घर ही पड़े हैं, मतलब जब भी सौर ध्यान देने की कोशिश करी कुछ ना कुछ हो गया, कुछ बात होगी, अड़चन ही आती रही। इस करके ये
रजिस्टर भी बल्कि वो खिस्से फेरन की नीत में थी, नहीं फेरते ही नहीं, इस इंटरव्यू को पूरा हो लंदे फिर फेरेंगे भाई, अब जो किबरा इसी रुकावट आ जाए किबरा तो यूए नहीं करना पावे, यूए नहीं करना पावे, ऐसी शंका पैदा हो रही है मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए वक्त ने नहीं बढ़ने दिया। आवाज़ भी थी बजाने का भी दलीली, अच्छा पता है स्वर का सारा कुछ है, फिर कौन ही वक्त की बात। आपने कदे साल दो साल भिन्ने छह भिन्ने कदे गाया भी स्टेजा पे न्यू स्टेजा पे संग में भी गाया, जब भी संग आते थे यहाँ कोई भी संग आता था। अच्छा आपने खुद की पार्टी बांधी कदे? खुद की पार्टी तो नहीं जी, खुद की पार्टी तुम्हारी यही है जी, बस रल मिल के अपना, मतलब ये आपका मतलब मनोरंजन कर लेते हो आप लोग। पंडित जी पेटी ले संता नहीं, एक चीज बताओ, जय नारायण जी जो सॉरी जय सिंह जी हैं या आपने जो जिस मुद्दा पर आज आप बात करा हाँ ज्वाला प्रसाद जी, इनकी रचनाएं कुकर सामना आवे, इनकी रचनाएं सामने तो जी जब आवे जब इनको प्रकाशित किया जावे गाने कदे, आपका तो परिवार आपका परिवार ने कदे कोशिश करी भाई इनकी ये किताब छपवा दें कुछ? ना जी कोई नहीं कोशिश करी है, ना कोई मैंने कोशिश करी है जी। अच्छा लिखने वो उसकी कॉपी की तो नहीं, गाने की कोशिश करी है मैंने, को कैसेट भी रिकॉर्ड करवाई थे गढ़ुआ बेंजू में 7-8 ज्वाला प्रसाद जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा लेकिन उसमें भी उसका भी प्रचार नहीं होने पाया, वही वक्त की बात है। आप गाए बजाए जावांगे टाइम स्टूडियो से रिकॉर्ड करवाई थी मैंने जे ईब कोई गाना कोई गायक आपते इस चीज से संबंधित आपते पूछे भाई इनकी रचनाएं मामे गावांगे आप पे लेन आवे तो आप दे दोगे? दे देंगे दे देने वाली कोई बात नहीं है, बाकी हमें भी लालच है इस बात का कि हम भी हमारी भी है आवाज़ तो गाने वाले तो हम भी हैं। हाँ बिल्कुल हमें भी तो मौका चाहिए ना। नहीं मैं वो तो ये बात तो है, देखो आप लोग उसी प्रणाली के हो ज्वाला प्रसाद जी के शिष्य हो, आप भी गाओ आपका तो गुरु हो गया आपका तो आगे बढ़ा गाना का। मैंने कुछ जिसके जल्दी आत्मा को शांति हो जाए हमारे को भी, तो आपकी फड़क तो काटो ही काटो। अगर कोई शौकिया तौर पर जैसे आपने दो चार रचनाएं सुनाई है ज्वाला प्रसाद जी की, अगर किसी का खटक लग गए बात की गिल साहब ऐसे कोई इंटरव्यू आप मारा ले रहे हैं ये जो मैंने एक बात आपको सुनाई है, आप इंटरव्यू के बाद मतलब ये सारा यूट्यूब पे चलेगा और जो मैंने गाई है इन बातों को मतलब ग्रहण करने वाला अपने आप ये कहेगा भाई क्या बातें बनाई है, मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने जो भी दो चार बातें सुनाई है अगर किसी का खटक लगेगी कोई आप तो मंगा सुना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, मैं वही कह रहा हूँ देंगे प्रकाशित तो होंगे। तो पहले मैं तो प्रकाशित होने से कोशिश जितने भी जो भी अपनी वीडियो देखेंगे संस्कृति प्रेमी देखेंगे अपनी वीडियो, अगर कोई आप तो मंगा कोई रिसर्च करे आपकी इन चीजों का ऊपर आके तो आप लोग सहयोग तो करोगे उनका? बिल्कुल करेंगे, आपके गुरु का नाम तभी उठागा जब ये किताब हरियाणा सरकार के अधीन जावेंगी छपेंगी नहीं नहीं लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल 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 हम तो चाहते हैं ये बात। बात ये है आप तो दो तीन बचे रहे हो ज्वाला प्रसाद की बात बताने वाला, मेरे से मैं कोई और बच भी नहीं रहा, नहीं है नहीं है। अरे ये वह बात आपकी उम्र भी 50-60 साल हो रही है, भगवान करे आप बहुत लंबे जियो, फिर भी कुछ नहीं मेरा शरीर का, तो अगर आपने बताया था शरीर का कुछ नहीं मेरा ये बात आपका गला ओड़े खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपने ये बात अगली पीढ़ी में नहीं दी तो कोशिश या करो, आप देनी चाहते हैं जी हम तो, मैं वही कहूँ कोशिश आप भी या करो, जितनी बात आप पे लिखित में है बहुत बढ़िया, कुछ वो बात जो आपके पास लिखित में नहीं है वो बात आप लिखवाने की कोशिश करो, वो बहुत नोट होगी आपने सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल अगली पीढ़ी उनकी सुनेगी उनकी देखेगी दब जाकर बात बनाएगी। तो आपने कोई ऐसा जिंदगी में मतलब आप गाए भी आपने बजाया भी कोई ऐसा आपका खटक जो आपकी पूरी नहीं हुई हो? खटक तो जीवन में सबसे बड़ा शौक सबसे बड़ी दौलत यही इसी को समझा संगीत को फिर, लेकिन मिले तो नहीं है वो, मिले तो नहीं। अब कई भाई देखो जो ये वीडियो देखेंगे उन्हें सोचेंगे देखा आप तीन बोला हाँ जो ज्वाला प्रसाद जी के पति जी कम क्यों बोला है, पहली बात तो उम्र और उसके बाद स्वास्थ्य थोड़ा सा आज की डेट में थोड़ा सा करम कमजोर स्वास्थ्य है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मां मेहंदी बुलांदे भी को नहीं, क्योंकि फिर कुएं मुलाकात करके इनके पास जो रचनाएं हैं अगर किसी भाई ने रचना इनकी चाहिए ज्वाला प्रसाद जियों की, अगर जय सिंह जी के परिवार से कोई मिलना चाहता है तो कलायत में रहते हैं ज्वाला प्रसाद जियों के ये सगे भतीजे हैं, इनके पास इनके सांग है इनकी फुटकड़ रचनाएं हैं चेतावनी शब्द हैं इतनी गजब की रचनाएं, अगर कोई संस्कृति प्रेमी इन सब चीज़ों को अपनी मेहनत से इनके सहयोग से कहीं प्रकाशित करवाना चाहता है या कोई गाना चाहता है कोई भी गायक हरियाणा में आज की डेट में जो भी
शौकिया तौर पे गा रहे हो या प्रोफेशनल अपने तरीके से, कोई कैसेट निकालता हो, नई धुनों में निकालता हो, किसी भी तरीके से, ताकि ज्वाला प्रसाद जी की बात लोगों के सामने आए? और जो दो शिष्य आज ये बैठे हैं ज्वाला प्रसाद जियों के, मैं तो उम्मीद करूँ कि कोई भाई ऐसा भी आएगा जो इन दोनों परिवारों का भी सहयोग करेगा, क्योंकि ये वो धरोहर है जो अंतिम स्टेज पर है अपनी, अब अंतिम पड़ाव पर है। अगर इन्होंने और दूरी तय नहीं करी तो ये यहीं समाप्त हो जाएगी। कोशिश हम सबकी यही है कि इस चीज़ ने कुछ बचावा, कुछ लोगों का सामने ले आवा। तो आज की जो अपनी यह वीडियो थी, इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक था, ना तो कोई इस वीडियो का मकसद कोई गाना बजाना था, वीडियो का मकसद एक था कि जो ये दो धरोहर हमारे साथ बैठी है, जो एक धरोहर हमारे साथ ये बैठी है, इन सब की बातें, ये जिनको बातें इनकी, इनके पास जो बातें हैं पंडित ज्वाला प्रसाद जी की, वो आप लोगों के सामने आए और इन दोनों परिवारों को भी सहयोग मिले और पंडित जी की बात को गाने वाले भी आगे मिले। तो जो भी भाई यह वीडियो देखें, मैं तो उम्मीद करूँ कि कम से कम अगर किसी ने कोई बात सीखनी है तो आप कलायत में आकर कदे भी आओ, ज्वाला प्रसाद जी का नाम लेओगे आप, या संतरा जी हैं अनाज मंडी में, या टेकचंद जी हैं अपने कलायत में, आप कभी भी मिलोगे तो आपने कलायत में मिलेंगे और हरदम आपकी सेवा में तैयार हैं। बाकी और एक वीडियो आप इनकी बनावाएंगे जिसमें दो चार शब्द, चेतावनी शब्द आप पंडित ज्वाला प्रसाद जी आके इन पर सुनाएंगे। तो जितने भी भाई ये वीडियो देखें, तो भाई वीडियो ने कोशिश करियो आगे तक आगे बढ़ाने की, ताकि किसी एक कवि की जो छुपा हुआ कवि है, ये तो वो धन है भाई, जो कहते हैं ना गड्या हुआ धन पाया गया, ये तो गड्या हुआ धन है। कोशिश करो ये धन लोगों का सामना आवे। तो जो भाई यह वीडियो देखें, इस वीडियो ने आगे बढ़ाइयो। और टेकचंद जी, संतराज जी और मासे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, स्वास्थ्य आपका कमज़ोर था फिर भी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।